वेलकम टू माई न्यू स्टडी व्लॉग राइट हेयर ऑन माई चैनल. सो दिस इज मी भव्या एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो. सो हाई गाइज, दिस इज गोइंग टू बी एन इवनिंग स्टडी व्लॉग. एंड सुबह से इतना पढ़ के ना इवनिंग तक तो मैं टायर्ड ही हो जाती हूँ एंड कई बार तो हेडेक भी हो जाता है मेरे को. सो क्या होता है ना कि जो भी कोई हैवी वर्क होता है लाइक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना वगैरह वगैरह, वो मैं सारा सुबह ही कर लेती हूँ एंड इवनिंग में मैं सारा रिवाइज वगैरह या फिर कुछ हल्का फुल्का काम कर लेती हूँ. एंड मेरी भी यही सजेशन रहेगी आप सभी से कि आप भी ऐसे ही करें अगर आप लाइक स्कूल में नहीं जाते हैं तो. स्कूल में से आके तो ना और भी ज़्यादा ही टायर्ड फील होता है, कई बार हेडेक भी हो जाता है. सो फिर उस टाइम पर तो पढ़ा भी नहीं जाता ज़्यादा. सो जस्ट गाइस टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो. एंड अभी भी मैं इस क्लिप में क्या कर रही हूँ, अभी मैं इस क्लिप में पढ़ रही हूँ फिज़िक्स. एंड फिज़िक्स का भी मैं रिवाइज करी थी नोट्स जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखे थे, बिकॉज गाइस डूइंग रिवीजन इज़ आल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट फॉरगेटिंग कर्व जो कि हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करता है एंड ऑल दो स्टफ. अगर तुम्हें नहीं पता कि वट इज़ फॉरगेटिंग कर्व, सो मैं एक बार बता देती हूँ ऊपर ऊपर से. सो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे दिन प्रतिदिन हम ना भूलने लग जाते हैं कुछ कुछ, लाइक 10% भूला एक दिन में, फिर उसके बाद 20%, फिर ऐसे भूलने लग जाते हैं जो भी हम आज पढ़ते. एंड येस गाइज, वन डे दैट डे कम्स कि हम पूरा ही भूल जाते हैं, बिल्कुल लाइक नंब हो जाते हैं उस टॉपिक में जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है किसी टाइम में. एंड वेन आई गेट टू नो अबाउट दिस कर्व, मेरे को ये इतना घटिया लगा, मेरे को अब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. एंड इसके बारे में सोच सोच के तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है. जैसे आज मैं कुछ पढ़ रही हूँ और अगर मेरे को याद आ गया ना इस कर्व के बारे में, तो मेरे को ऐसा लगेगा यार भूलना ही एक दिन तो यार क्यों पढ़ रही हूँ. बट एनीवेज गाइस, पढ़ना तो पड़ेगा ही ऑफ कोर्स. एंड येस गाइस, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल देन गो एंड चेक माई अदर व्लॉग्स. एंड अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे. हाय गाइस, अभी क्या है ना कि फिजिक्स में लाइक खुद से ही पढ़ती हूँ, आई हैव नो लाइक ऑफलाइन टीचर फॉर दैट, सो डोंट सो एवर जज मी ओके. एंड येस, मेरे को एक और चीज़ बतानी थी कि इस वीक मैं डेली व्लॉग्स डाल रही हूँ, स्टडी व्लॉग्स लाइक तो डेली डालती हूँ मैं. एंड इट्स काइंड ऑफ सो लाइक काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है. सो येस, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड स्टडी व्लॉग्स. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लिप. अभी देखो मेरे को कितनी ठंड लगती है, मैं अभी से ये फर ही कहते हैं ना इसके क्लोथ को, हाँ सो मैं ये फर डालने लग गई हूँ एंड आई डोंट नो वाई. एंड येस, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, पता नहीं मैं तुम्हें ये क्यों दिखा रही हूँ, जस्ट टू मेक दिस वीडियो फनी. सो येस, अभी ये लास्ट से का क्लिप है, यहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ी थी एंड उसके बाद आई थिंक मैं सोने ही वाली हूँ. सो हाई गाइज, मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे मैथ्स एंड मैथ्स में आई वॉज डूइंग आर डी में से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी. वाई आई वॉज डूइंग सो क्योंकि आज मेरे को एक असाइनमेंट मिला था ऑन माई कोचिंग्स एंड वो मेरे पे सॉल्व नहीं हुआ बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर फ्रॉम आर डी एंड ना मेरे को वो क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आया बिकॉज आई डोंट नो वाई मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है. बट फिर मैंने सोचा कि शायद ये क्वेश्चन ना आर डी में से होंगे, नाउ लेट्स गो एंड सॉल्व आर डी. तो मैंने आर डी उठाई एंड मेरे को लगा था कि नहीं यार मेरे को समझ नहीं आएंगे, बट पता नहीं आज कैसे तुक्का लग गया एंड मेरे को समझ आ गया. थैंक गॉड कि मेरे को आज कुछ ना कुछ सीख मिली आर डी में से, वरना मैं सोचती यार आर डी खरीद के मैंने पैसे वेस्ट कर दिए सारे. पता नहीं यार क्यों मेरे को मैथ्स के बारे में ना कुछ शब्द बोलने की ना आदत पड़ गई है. हर एक वीडियो में मैं मैथ्स के बारे में कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ जस्ट टू मेक वीडियो फन ओके. इट इज़ नॉट मीन टू हर्ट एनीवन वू लाइक्स मैथ ओके, सो जस्ट डोंट कंसीडर. एंड हाँ, आज मैंने इतना ही पढ़ा, उसके बाद आई थिंक मैं एडिटिंग करूँगी. हाँ अभी एडिटिंग ही तो कर रही हूँ यार. हाँ उसके बाद मैंने एडिटिंग करी एंड उसके बाद फिर मैं शायद सो गई होंगी, अभी तो एडिटिंग कर रही हूँ, देखते हैं सोएंगे ही. एंड येस गाइस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. इतना ही था आज का वीडियो एंड येस, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वंस, मोर सच व्लॉग्स. येस सो या बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर.